बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो न्यू कराची की साइट पर मौजूद हूँ और आपको आसपास रेड बसेस देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं रेड बस के टर्मिनल में मौजूद हूँ जहाँ पर रेड बसेस को रखा गया है। और ये वही रेड बसेस हैं जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक के लिए ट्रायल के लिए चलाया गया था। और मैं आज यहाँ पर आप लोगों को मुकम्मल जितने भी बस का रिव्यू है वो मैं आप लोगों को करने वाला हूँ और इसके साथ मैं आपको कुछ रूट के बारे में भी बताऊँगा और तमाम तर डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इससे पहले चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिर्फ बसेस दिखा दूं और पहले भी मैंने आपको बसेस के हवाले से एक छोटी सी एक वीडियो बनाई थी जब ये रेड बसेस पोर्ट पर जब आगे पहुंची थी तब भी हमने आप लोगों को वहां की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी। लेकिन इस वक्त मैं यहां टर्मिनल में मौजूद हूं न्यू कराची के और न्यू कराची की टर्मिनल में कम से कम कुछ नहीं यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब यहाँ पर बसेस मौजूद हैं तकरीबन। और ये जो रेड बसेस हैं ये तकरीबन 240 के करीब यानी कि 250 के करीब बसेस पोर्ट से इंपोर्ट करके यहाँ पर टर्मिनल में लेकर आया गया है जो कि तमाम तर जो इस रेड बसेस के हवाले से जो रूट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि बसेस किस तरीके की हैं, बसेस के अंदर क्या सूरत हाल है और बसेस का जो इश्यूज़ हैं वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊँ। ये जो बसेस हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं और इस बसेस के अंदर क्या क्या मौजूद हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है इससे पहले और जब ये पीपल्स बस सर्विस जब ये रोड पर आवाम के लिए चलाया जाएगा तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी कि जो हमारे आवाम है, जो हमारी आम आवाम है उसके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है जिसके बाइस जो वो टूटी फूटी जो बसेस में सफ़र करते हैं जिसके बाइस उनका से भारी किराया भी वसूल किया जाता है तो उसके हवाले से भी आवाम के लिए काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये एक मंसूबा है पीपल्स बस सर्विस। तो आज हम यहाँ पर टर्मिनल में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बस भी आपको पूरी आपको बैक साइड से आपको इंजन इसका पूरा मुकम्मल दिख रहा होगा। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं और आप लोगों के साथ गाइड करते हैं बस के बारे में, तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, रेड बसेस मेरे सामने हैं बिल्कुल। और पहले रूट के हवाले से जानने से पहले मैं आप लोगों को बसेस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों को हमारे भाई जो हमसे बात करते हैं अंसार हुसैन भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर आप बस के हवाले से हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए कितना फ़ायदा होने वाला है, उस सर्विस से क्या क्या आवाम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होने वाली है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, ये हमारी चाइना की जैसे यूटोंग बसेस स्टार्ट हुई थी वैसे ही चाइना की इंट्रोड्यूस की हुई बसेस हैं और इनको चलाएंगे हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग। अभी से हम लोग इसको रोडों पे स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए और इसको एक्सपीरियंस ड्राइवर शुरू में चलाएंगे ताकि हम रोडों में इसका एक एक्सपीरियंस दे सकें कि हमें ये रोडों पर क्या फैसिलिटी दे रही है। हमारे पास बस में एक हमारे पास रैम्प मौजूद है जिससे हम लोग कोई भी माजूर अफराद हो सकते हैं उनके साथ हम लोग रैम्प में ऊपर जा सकते हैं। उनके लिए जगह दी गई है यहाँ पे, जैसे कि जो हो गई व्हील चेयर हम लोग अगर यहाँ पे रखना चाहें यहाँ पे व्हील चेयर रख सकते हैं। ये माजूर लोगों के लिए हमने यहाँ पे जगह दी हुई है, यहाँ पे माजूर लोग बैठ सकते हैं। इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं ये आप देख सकते हैं, हमने इसमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी इसमें अवेलेबल है, एमरजेंसी एग्जिट के लिए हमारे पास एमरजेंसी वेल मौजूद है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी वेल इक्विप्ड सीट्स हैं, कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है। और उधर मैं आपको ड्राइवर की जगह दिखा देता हूँ, ये फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें कोई गियर्स नहीं है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। डी फॉर ड्राइव, न्यूट्रल एंड रिवर्स, और ये कंप्लीट ऑटोमेटिक गाड़ी है और इसमें कोई गियर्स वगैरह नहीं है। मतलब ये ड्राइवर के लिए भी बहुत सहूलत वाली बस है, जैसे हम लोग कराची में एक्सपीरियंस करते हैं W11, D13 ऐसी बसें एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये उनके मुकाबले में हमें रोड में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देंगी, कंप्लीट एयर कंडीशन। तो ये पैसेंजर्स के लिए और इसके फेयर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 30 to 35, 55 इसी के अंदर फेयर आते हैं अकॉर्डिंग टू द रूट। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ट्रायल तो इसका चला चुके हैं, चल चुके हैं इंशाल्लाह, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कब तक इस बसेस को आवाम के लिए
प्रॉपर चलाया जाएगा। वैसे तो इरादा है इसकी तकरीबन 30 से 35 बसें हम लोग 20 तारीख से निकालना शुरू कर देंगे रोड पर, ताकि हमारा एक्सपीरियंस गेन हो सके कि हमें इनको किस तरीके से आगे चलाने, क्योंकि ये हैं बिल्कुल रोड से करीब हैं ये बस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से रोड से इनका डिस्टेंस कम है, तो हम लोग इनको उन रोड पर चलाएँगे जो साफ़ सुथरे रोड होता है, शारे फैसल वगैरह, इन रोड पर हम लोग इनको चला के इनको एक्सपीरियंस करेंगे, ताकि बस भी हमारी सिक्योर रहे। इनको चलाने के बाद जब 30-35 बसें हम लोग 10-12 दिन चला लेंगे, उनसे हमें एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सारी बसें इंशाल्लाह इनको निकालेंगे एज सून एज पॉसिबल। थोड़ा सा मुझे एक बात ये भी बता दिएगा कि इसका किराया कितना, कम से कम फिर भी कितना किराया हो सकता है? 35 to 55 डिपेंडिंग ऑन द रूट, के रूट आपका कितना दूर तक। अच्छा, जैसे हम लोग चिंची में एक किराया देते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं सीधे जाके हम लोग 30 rupees ऐसे ही पे करते हैं। इसमें हमने उसके मुकाबले में हमें बहुत बेनिफिशियल है कि हमारा इसका फेयर भी कम है और हमें ये काफ़ी सारी सहूलियात मैसर। अच्छा, ज़्यादातर जो बिजनेसमैन अफराद हैं वो ज़्यादातर सोचते हैं कि कार्ड वगैरह कोई सिस्टम ऐसा हो कि वो एक ही दफ़ा कार्ड को चार्ज करा लें, जिस तरीके से और बसेस में अवेलेबल है यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड का कोई भी सीन नहीं है। इनमें फेयर वाले सीन है, जैसे आप इस्लामाबाद वगैरह लाहौर जी जी बसेस चलती हैं आप वहीं पे, क्योंकि इनके अलग से रूट नहीं है, ये आम रूट पे चलेगी, तो इसका डायरेक्ट फेयर ही होगा जो यहीं पे बस में लिया जाएगा और यहीं से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चले, थोड़ा सा मुझे रूट के बारे में समझा दें, यहाँ इनके रूट कौन कौन से होंगे? सर, इनके जो हमारे डिपोज हैं वो एक सिराज टाउन में है और अपना बैंस कॉलोनी की तरफ है, और एक ये न्यू कराची डिपो है, एक अपना मॉडल कॉलोनी की तरफ है, तो ये डिपोज हैं। और यहाँ से आम रूट्स पे ये चलेंगे, यहाँ से शारे फैसल, शारे फैसल टावर, इन्हीं रूट्स पे अभी ये फिलहाल ट्रेवल करेगी। बहुत शुक्रिया सुन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त जो बस की जो तमाम तर सूरत हाल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा और आगे चलते हैं फिर, और मुकम्मल मैंने आपको यहाँ की जो बस की सूरत हाल है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। जबकि इस बसेस के अंदर फुल लग्जरी सिस्टम होगा और ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, और इसके इंजन की भी हम बात करी है, हमने आपको सारी चीज़ें तफसीलात के साथ आप लोगों से शेयर करी। तो थोड़ा सा हम रूट के बारे में बात कर लें, इनके रूट कौन कौन से होंगे। पीपल्स बस सर्विस जो कि पूरी 7 जगहों से यानी कि इस सर्विस को एक्टिवेट किया जाएगा, जिसके 22 कराची के मुख्तलिफ अंदरूनी इलाके से होते हुए ये बस सर्विस आवाम को फ़ायदा देगी, जिसके 22 यहाँ पर जदीद और लग्जरी किस्म की बसेस यहाँ पर लेकर आए गए हैं, और बिल्कुल लग्जरीज बसेस हैं। और इसके बारे में अगर हम बसेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जब ये बसेस चलाई जाएंगी तो इसके एयर कंडीशन, एसी और यूएसबी पोर्ट, और इसके अलावा तमाम तर बहुत सारी ऐसी सहूलियातें हैं जो यहाँ पर इस बसेस के हवाले से आप लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज रहेगा आपको इस बस के हवाले से भी, जब आप इस पर सफ़र करेंगे, और किराए के बारे में भी, जैसे कि कम से कम इसका किराया, जो कि महंगाई के हवाले से अगर देखा जाएगा, कराची में महंगाई भी बहुत, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके बाइस के बहुत ज़्यादा आम जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी की सामना करना पड़ रहा है महंगाई के हवाले से। लेकिन इस बस सर्विस हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अब कराची के अंदर BRT बसेस का जो कि एक बहुत बड़ा जाल फैलने जा रहा है, जिसके बाइस जब ये मुकम्मल तरीके से तैयार हो जाएगी तो मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बेहतर होगा और बहुत ही अच्छा निज़ाम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का, जिसके बाइस इस ट्रांसपोर्ट के चलने से रोडों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि रोड भी जगह जगह पर नए सिरे से बनाए जाएंगे, और उन रोडों को जिन पर काफ़ी टाइम से काम नहीं हुआ, लेकिन उन रोडों को भी बनाया जाएगा। तो ये पूरी मुकम्मल बस मैं आप लोगों को चारों कोने से दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हुआ चलता हूँ बस के अंदर क्या क्या यहाँ पर इस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग बस की है। तो इसके साथ मुकम्मल जो बस के अंदर की जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको इंजन के हवाले से मैं ज़रा दिखाने के बाद मैं आपको, क्योंकि बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी इंजन की, तो इंजन में थोड़ा सा दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको हेड सिलेंडर की बात करूं, तो यहाँ पे फैंस आप देख सकते हैं, जदीद किस्म के यहाँ पे फैंस लगे हुए हैं जिस इसके हेड सिलेंडर को ठंडा करने के लिए। उसके साथ मैं आपको इंजन की बात करूं, तो यह आप इसकी इंजन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इंजन है, और ये पूरा इसका हाइब्रिड बस की ये मुकम्मल इंजन है। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी जो इसकी यहाँ पर जो पूरी जो मुकम्मल बेस है इलेक्ट्रिसिटी की वो ऊपर है, और यहाँ से सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जो बस के अंदर जो जो फैसिलिटीज़ मौजूद है वो तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोलर या इसका मुकम्मल लगा हुआ है। और जबकि बस के अंदर फाइंड एक्सचेंज भी मौजूद है, बस के अंदर माजूरों के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद है, उसके साथ एमरजेंसी ब्रेक भी है, और एमरजेंसी तौर पर आप गाड़ी को जहाँ रोकना चाहें बटन के थ्रू वो भी रोक सकते हैं, और उसके साथ
USB पोर्ट भी है और वाईफाई की भी सहूलत इसके अंदर मौजूद है। तो बस की जो मुकम्मल जो फैसिलिटीज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर कर दी है। तो सारे तमाम तर जो बस की एक नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो मैंने सारी आपको शेयर करने के बाद अब मैं अपनी वीडियो से आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।